कि जब जब तीनों चुनाव आया कि लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहते थे, लेकिन तेजस्वी ने कहा, पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम इन लोगों से रिपोर्ट लेंगे। हमारी सरकार को तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गीय बीपी सिंह की सरकार हमारी थी, यहाँ वो लोग आउट हो गया, विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने। तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, इन चीजों को आगे बढ़ाते रहे। अब फुलवरिया गांव, पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर जड़ा में ढकने के लिए नहीं, उपवास रहना जो सच्चाई है, और मुश्किल से जैसा समाज था, मलाल है कि कोई मजाल है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने, खटिया पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे के सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे कर दिया जाता। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला, और डर के लड़े हम लोग, लड़े ही नहीं, इलेक्शन कमीशन तक आके बूथों को ठीक करवाया। और यहाँ आने के बाद ठीक बोल रहे थे इससे पहले कि हम बहुत, हम लोगों ने देखा चुनाव, बहुत चुनाव चिन्ह देखा आपने, चक्का मिला था हम लोग नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा, सब में हम लोग जीते हैं सब जगह। अब सोच सके जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोग जो नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं है। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके क्वार्टर से लेकर के हम लोग लाखों लोग बांस घर तक नारा लगाते गए थे, और गोद में रख के कर्पूरी ठाकुर के बड़ी को, ठाकुर तेरे अनुमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि उनका जो अरमान था, उस अरमान को हम लोग बहुत हद तक पूरा किया है, कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी उस समाज में जिस तरह का बनावट, आज हिम्मत नहीं है लोगों को, आज बराबरी का, सबके लिए कुर्सी, सबके लिए खटिया, सबके लिए कुआं का पानी, बराबर रूप से आज लोग चाहे अनचाहे इसको एंजॉय कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, उज्ज्वल ही नहीं है, हम याद होगा लोगों को कि मैंने पांच पांच प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया, और सारा क्रेडिट, पूरा समय नहीं है खोल के बात करने का, और हम लोग उन दिनों में
नहीं, केंद्र में मंत्री बनाया गया लेकिन प्रभाव नहीं किया। नीतीश कुमार जी बहुत व्याकुल थे, यहां पर हम लोगों ने कह के बनवा दिया था, शायद कृषि मंत्री थे राज के, और बिहार आंदोलन गांव गांव तक फैला, हल्ला हुआ चारों तरफ सुनने में। लालू यादव मारा गया इस अफवाह ने काफी बल दिया, गरीब लोग की ताकत में इजाफा हुआ और आगे बढ़े, संगठित करके हमारी ताकत है, बिना ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, जनता का ताकत है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अल्पसंख्यक हैं, और ये दलित लोग हैं, वहां दलित हैं, हम झारखंड तक हमारे अंदर में हम लोग राज किया, हम लोग झारखंड भिवंड और बिहार साइड से, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का उज्ज्वल भविष्य है, और भविष्य नहीं निकट भविष्य में हम देश को आगे बढ़ाएंगे। महाकाल प्रलय जैसा है, कोरोना तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर के ये महंगाई बेरोजगारी लोगों का कमर तोड़ दिया है। रेल को निजीकरण में, जहाज को, सबको औने पौने भाग में गांव में हटाया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इतनी गरीबी, इतनी महंगाई, इतना अगर पेट्रोल का दाम डीजल का बढ़ता हम लोग के सरकार में तो चलना लोग दोहर कर देते, लेकिन यहाँ तो कोई सिवाई नहीं है, घी का दाम पीछे छूट गया, डीजल और पेट्रोल आगे चला जा रहा है। इन चीजों के खिलाफ में पहले बढ़ा भी था तो हम लोग साइकिल से शुरू किया था ऑफिस जाना, एज ए चीफ मिनिस्टर साइकिल पर बैठ के हम निकले, मैसेज दिया, स्वर्गीय बीजू पटनायक जी ने साइकिल पर बैठ करके मैसेज दिया कि बचाओ, तेल को बचाओ, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से गरीब के ऊपर पड़ता है सारा खर्च, कहा गया था 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे हम बेहतर भारत द्वारा बनाएंगे, कहा गया था यहाँ सब लोगों, लेकिन आज बेकारी में कैसा मार पड़ा है, जीएसटी से का और ये नोटबंदी से जो शुरू हुआ, महान बहुत बड़ा आर्थिक संकट है देश के ऊपर, देश हजारों वर्ष पीछे चला गया है ये कोरोना से, कोरोना भी तो अलग है, सभी लोगों के मुंह पर जाब लगा के रूम में घरों में बंद हम लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो इस स्थिति का पालन सब लोग कर रहे हैं, और तीसरा फेज शायद कोरोना का आने वाला है, उससे लोग और व्याकुल हैं, स्वाभाविक है लोग डर रहे हैं। जितनी मौत हुई है देश में कोरोना की वजह से,
उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बिहार में जितने लोग मरे हैं कोरोना से, चिकित्सा के अभाव में, ये सबसे अव्वल दर्जा में पटना को गिना जाने लगा। कोई आदमी नहीं जा रहा था पटना में या बिहार में। गांव में जो मरे थे तो मरे, लेकिन शहर की बात है कितने बड़े पैमाने पर लोग बीमारी के से ग्रस्त रहे और कोई सब बात नहीं रही, कोई चीजों का प्रबंध नहीं रहा अस्पताल से लेकर सब कुछ। तो आज देश हमारा बहुत पीछे ढकेल दिया गया है, पीछे जा रहे हैं। इसकी पूर्ति करना साधारण बात नहीं है। आर्थिक संकट, दूसरे तरफ सामाजिक ताना बाना को खंडित किया जा रहा है। कभी कभी नारा लग रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब मथुरा, ये क्या मतलब है भाई? क्या चाहते हैं इस देश में? सत्ता के लिए लोगों को इस देश में अंदर तबाह करना, बर्बाद करना। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के जितने साथी हैं, जहां भी हैं, खेत में खलिहान में हैं, सामाजिक ताना बाना को मजबूत रखने के लिए लोगों को बताइए। लोकसभा था है, लगता ही नहीं कि लोकसभा किधर है। राज्यसभा नियमित संसद भी नहीं चल पाता, बहस भी नहीं हो पाती। इन चीजों को देखना चाहिए सब लोग। राष्ट्रीय जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मीट जाएंगे लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जो बोलता था जंगल राज, मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया, रोटी को पलटा। हर वो लगातार क्रम शुरू हुआ, इससे लोगों को बहुत तकलीफ। जंगल राज आ गया, जंगल राज हम लोगों को जंगले। समाप्त नहीं किया गया, लेकिन चरवाहा विद्यालय एक मैसेज था कि लाखों इस देश में बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला पेट के मार से ये पाप खेतों में जाते हैं और चरवाही कराते हैं। फिर मैंने कहा चरवाही चलता रहेगा और स्कूल खोला जाए, और खोलने का काम किया। इसका मैसेज गया इन देशों में, ये जो पशुपालन पर कैटल पर लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भविष्य भी खराब कर रहे थे। इसलिए पूरा मजाक किया जाता है कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया, अपने बेटों को फलाना जगह भेज दिया और गरीब के बच्चों को चरवाहा विद्यालय खोल दिया। ऐसा झूठ है, ऐसा प्रेम
हम लोग नहीं देखा है, नहीं सुना है, देख रहे हैं। इसलिए जितना भी विंग है, राष्ट्रीय जनता दल का किसान, यूथ, नौजवान, छात्र और पार्टी, लगातार प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। खुशी हुई आज, बहुत प्रसन्नता कि गांव गांव में आप संदेश को पहुंचा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और लोगों को विश्वास है कि एक ही दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो इससे हम तमाम समस्या का निजात पाएंगे। लोग बोलते हैं कि गरीब है, पुराना है, हमारे विरोधी लोग, ये जो मानसिक कैदखाना से बेटर है आर्थिक, आर्थिक नहीं, आर्थिक से तो फ्री हो गए, फ्री हो करके, स्वतंत्र हो करके लोग अपना काम करना करते हैं। अभी क्या राज है बिहार में, अन्य जगहों पर तो देश भर के देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ चार पांच अलग अलग जगहों पर खून नहीं होता हो, मर्डर, तबाही और भ्रष्टाचार के विषय में ठीक ही कहा नेता विरोधी दल ने। ये कोई मतलब नहीं है लोगों के लिए, इतना ही लोग झूठ बोलता और अपने को कमजोरी दिखाता है। हम लोग बोलते थे देहात में, मुंह मोटे ही हैं तो लोढ़ा ही है, अरे चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा जैसे पीसने वाला मन से है पत्थरों। तो आज हमारा बिहार बहुत पीछे है, बहुत लाखों लाख प्रवासी मजदूर बने हमारे लोग, और आज भी लाखों लोग निकल के जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। इस रोग में जो लौटने लगे लोग, तब मजदूरों को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया, खाना पीना का इंतजाम किया। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि मजदूर जा रहा उसको काम देगा और भगाया सबको। बिहार में 10,000 नौकरी देने का जब पार्टी ने ऐलान किया तो लोगों ने कहा कि हम इतना देंगे, तो खोल तोड़ने लगा। बीजेपी के सब लोग ये सारे लोग फैलाने लगा कि हम मैंने कैसे तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति 10,000 से दिमाग हटके इनको वोट देने जाए। अरे तुमको वोट तो मिला है, चाहे जिस रूप से मिला है, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो वादा किया था वो तो करिए कम से कम। कितना देश भर में, कितने हर इलाका में तबाही हुई है इन वर्षों में। समय सजग रहना है और
अपने संगठन को मजबूत करके संघर्ष के लिए हमेशा सब लोगों को खड़ा रहना है। बीमार हम है, तेजस्वी और हमारी पत्नी राबड़ी देवी नहीं होती तो रांची से रांची में खत्म हो जाते। जल्दी से उठा के लाया लोग, वहां से ट्रेन से उठा के लाया और यहाँ भर्ती एम्स में डॉक्टर राकेश यादव, इन चीजों में काफी एम्स में काफी सेवा किया, काफी इलाज किया वहां हमारा। और थोड़ा रह गया रोग है, थोड़ा थोड़ा है, इसे भी खत्म किया जाएगा। खाली खाने पीने पर परहेज करना है, पानी से परहेज करना है। सब बोलते हैं पानी कम पियो सर, हम आएंगे बहुत जल्दी पटना। पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे बहुत जल्दी। छुट्टी हमको मिलेगा अस्पताल से। अभी तो यहाँ बेटी के सरकारी क्वार्टर में हम बैठे हुए, यहीं से इलाज का भी इंतजाम होता। मीसा भारती के हम आएंगे और आप लोग धैर्य को रखिए, धैर्य टूटने नहीं पावे और मजबूती के साथ। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण और ज्ञान तो है ही, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले, लेकिन लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। अरे पार्टी ये हर कार्यकर्ता हर नेता स्वीकार किए हैं तेजस्वी यादव को, और लोगों ने सहयोग किया और सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना दूर से आप आए वहां पार्टी में, पार्टी दफ्तर में, सम्मेलन में, पार्टी के जन्मदिन में। और हमेशा हम लगातार इन चीजों को आगे बढ़ावे। सब नेताओं को, जितने नेता, मैं सब नेताओं को देख रहा हूं, हमारे साथी आज के सम्मेलन में एकजुट हैं और एकजुट रहना चाहिए। ऐसा तो स्थापना दिवस हम भी नहीं मनाए थे जितना बाहर आते थे, बत्ती वत्ती जलाया हो गया। आज तो जितना बढ़िया से कार्यालय में, प्रधान कार्यालय में, दिल्ली दफ्तर में भी, बिहार के गांव में इसको धूमधाम से फैलाया गया, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूं, जितने लोग बैठे हुए हैं, सिद्दीकी हैं, चौधरी जी हैं,